Let us see the next question, students. Question 137. An analysis of DNA, double-stranded DNA sample, yielded 18% cytosine. What would be the percentages of other bases in the sample? यहाँ पे हमें चारगाफ रूल को अप्लाई करना है. चारगाफ रूल के अकॉर्डिंग A plus G is equal to T plus C. साइटोसिन हमें दी हुई है 18%. एंड वी नो दैट साइटोसिन ऑलवेज पेयर्स विथ ग्वेनाइन बाय ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड. यानी अगर साइटोसिन 18% है तो ग्वेनाइन भी कितनी होगी? 18%. राइट. अब आपको एक्चुअली तो आगे क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं. आप सबसे पहले ग्वेनाइन का परसेंटेज देख लीजिए इन ऑप्शंस में. ये देखिए ग्वेनाइन 18% एक ही ऑप्शन में, तो आंसर वैसे ही सॉल्व हो गया. आपको आगे यू डोंट हैव टू वेस्ट टाइम. दिस इज हाउ यू कैन सेव टाइम. हाँ, अगर ग्वेनाइन दो एक से ज्यादा किसी ऑप्शन में 18% दी होती तो फिर हमें एडेनाइन और थाइमिन को कैलकुलेट करना पड़ता. चलिए अभी तो हम कर लेते हैं. सो दैट मीन्स 18% इज ग्वेनाइन, 18% इज साइटोसिन. दैट मीन्स G प्लस C कितना हो गया? 18 प्लस 18, यानी 36%. यानी रिमेनिंग अगर 100 बेसेस हैं उसमें से 36 ये हो गई हैं टोटल, तो यानी A प्लस T कितनी होंगी? 100 माइनस 36 यानी 64%. A प्लस T 64% है, यानी कि A भी कितनी होगी? 32. T भी कितनी होंगी? 32. So A is 32, T is 32, C is 18, G is 18. Answer is option A.